नमस्कार, स्वागत है आपका एजे क्लासेस में। मैं जय सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है सौर मंडल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे नॉर्मली किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजिंग ना हो हम इस वीडियो में इसे अच्छे से समझेंगे। तो पहले बात आती है सौर मंडल। सौर मंडल की परिभाषा जान लेते हैं। सौर मंडल क्या है? सूर्य व उसके चक्कर लगाने वाले ग्रह, उनके उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि को सम्मिलित रूप से हम लोग सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल का प्रथम सदस्य सूर्य कहलाता है, इसलिए इसके पहले सूर्य का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम फिगर वाइज ग्रहों का अध्ययन करेंगे जहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो सबसे पहले सूर्य से जो क्वेश्चन बनते हैं हम वह जानेंगे। तो पहले सूर्य की परिभाषा जान लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जिसमें से प्रकाश का उत्सर्जन होता है और समस्त सौर मंडल में प्रसारित होता है। अब आइए सूर्य से रिलेटिव बातें जानते हैं। तो इसका प्रकाश का उत्सर्जन क्यों होता है? तो सबसे पहला यही जान लेते हैं, इसका कारण है हाइड्रोजन परमाणु का हीलियम में परिवर्तित हो जाना, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया नाभिकीय संलयन क्रिया कहलाती है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो यह तो हो गया ऊर्जा का उत्सर्जन। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वह हम देखते हैं। तो इसमें से जो नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं वह सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो जो भाग हमको पृथ्वी से सूर्य का दिखाई देता है उसे कहते हैं प्रकाश मंडल। ये पहला इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश मंडल। अब इसे इंग्लिश में फोटोस्फीयर भी कहते हैं, यह भी याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है कि जो सूर्य ग्रहण के दौरान हमको जो परत दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं। केवल यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश कम दिखाई देता है। तो यह जो परत दिखाई देती है सूर्य ग्रहण के समय उसे हम लोग कहते हैं कोरोना। कोरोना कहते हैं या इसे किरीट भी कहते हैं। तो दोनों आप लोग याद रखेंगे। अब इससे जो अगला इम्पोर्टेंट बनता है, तो ये दो हो गए। अब इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सौर ज्वाला या सौर कलंक किसे कहते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो सूर्य से कभी कभी क्या होता है कि जो प्रकाश मंडल है वहाँ से सूर्य के परमाणु सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अचानक तीव्र गति से बाहर निकल जाते हैं बहुत सारे। तो वह जब पृथ्वी पर वापस आते हैं ब्रह्मांड से, तो वह रंगीन प्रकाश के रूप में आते हैं जो पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देखे जाते हैं। और यह जो है तो उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस के रूप में दिखे जाते हैं और दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के रूप में दिखते हैं। तो यह याद रखेंगे। तो इसमें से जब यह निकल जाते हैं, जो यह प्रकाश तीव्र गति से अचानक निकलता है इसे कहते हैं सौर ज्वाला। अब जब यहाँ से प्रकाश मंडल से तीव्र गति से प्रकाश कभी कभी बाहर निकल जाता है उसे कहते हैं सौर ज्वाला। तो यहाँ पे जब कहीं कहीं पर धब्बे पड़ जाते हैं सूर्य में जहाँ से ज़्यादा निकल जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सौर कलंक। यह याद रखेंगे, जो काले धब्बे बनते हैं उसे कहते हैं सौर कलंक, वह जो कि बाहर चले जाते हैं। तो यह इसमें से तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसमें से टेम्परेचर पूछा जाता है, तो सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर कितना है। तो सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर जो है वह है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब प्रकाश मंडल का टेम्परेचर पूछा जाता है जो कि हमें दिखाई देता है, उसका टेम्परेचर जो है वह है 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसमें से एक और टेम्परेचर पूछा जाता है, जो सौर कलंक या जो सूर्य के धब्बे होते हैं जहां से प्रकाश अचानक अधिक मात्रा में निकल जाता है उसका टेम्परेचर पूछा जाता है। तो यह सबसे अधिक ठंडा भाग है सूर्य का अगर देखा जाए तो, सूर्य की दृष्टि से, क्योंकि मात्र यहाँ 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो यह कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए सूर्य से। अब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सूर्य और पृथ्वी के मध्य, तो वो आगे हम जानते हैं। जब पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तब इसके बारे में हम आयतन और द्रव्यमान के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रहों की ओर, उसके बाद फिर पृथ्वी में जब आएगा तो उसके बाद कुछ इससे रिलेटिव और टॉपिक है जो हम जानेंगे। तो इसमें से जो
अब ग्रहों को याद रखने का क्रम, तो सबसे पहले आपको ग्रहों का याद रखना चाहिए कौन से क्रम में हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इनका इंग्लिश नेम भी याद रखना आपको जरूरी है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और यहाँ पे नाम भूल जाता है अरुण और वरुण का, इसलिए आप इसको UN याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन। तो इससे एक का हो जाएगा यूरेनस और दूसरे का हो जाएगा नेपच्यून। तो ये आपको आसानी से याद रहेंगे दोनों ग्रह के नाम। तो यह हो गए इंग्लिश नाम। तो इनको याद करने का तरीका, कोई ट्रिक ना अपनाएं, बार बार नहीं, भूल जाता है बीच में, इसको आप नॉर्मली याद करें। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है, यह सभी ग्रह एक बात याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, लेकिन दो ग्रह, एक शुक्र और एक वरुण जो हैं, वरुण नहीं अरुण, सॉरी अरुण ग्रह जो यह है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं। तो इसका याद रखने का तरीका ऐसा है कि स्टार्टिंग से दो और लास्ट से दो नंबर वाला जो ग्रह है वह पूर्व से पश्चिम, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। कुल ग्रहों की संख्या 8 है। अब इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं, यहाँ पे एक पट्टी बन जाती है जिसे क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। तो अब यह ग्रह भी दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्थिव ग्रह कौन से हैं और जोवियन ग्रह कौन से हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह कौन से हैं। तो यह जो शुरू के चार ग्रह हैं, 8 ग्रह के 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, और जो 4 ग्रह लास्ट के हैं वह कहलाते हैं जोवियन ग्रह। तो इसका याद रखने में बीच में पट्टी है, तो आप याद रखेंगे 4 जो हैं इधर के और 4 उधर के, तो ये ग्रह कहलाएंगे आपके पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह, और यह ग्रह है जोवियन ग्रह, जोवियन। अब एक और बनता है पार्थिव ग्रह, और यह ठोस ग्रह है, यह भी पूछा जाता है ठोस ग्रह, और यह जो है तो गैसीय ग्रह है। बृहस्पति के बाद जो ग्रह हैं वह गैसीय ग्रह कहलाते हैं। तो यह भी आप याद रखेंगे, तो 4 इधर के और 4 उधर के आसानी से याद रखेंगे। दूसरे नंबर का जो शुक्र है और दूसरे नंबर का जो अरुण है वह विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो यह तो हो गए ग्रहों से संबंधित जानकारी, बाहरी जानकारी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह, इनके बीच में एक पट्टी है जो क्षुद्र ग्रह, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह, पहला इससे जो एक क्वेश्चन निकल के आता है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य का सबसे निकट ग्रह। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, सूर्य से निकट, सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अगर पूछा जाए तो है बुध, क्योंकि सबसे पहले बुध ग्रह आता है। दूसरा क्वेश्चन बुध ग्रह से निकल के आता है, इसमें वायुमंडल अनुपस्थित है, इसमें किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं पाया जाता। ये तो आपको बिल्कुल भी याद रखना है, वायुमंडल किस ग्रह में अनुपस्थित है? तो वह है बुध ग्रह, वायुमंडल अनुपस्थित। अब तीसरा क्वेश्चन निकल के आता है इसमें से, कि यह सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिनों में पूरी करता है, जो किसी भी ग्रह से सबसे कम है। 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। यह 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चौथा क्वेश्चन है जो वह है, इसे तापांतर में आप ध्यान रखेंगे, सबसे गर्म नहीं आप देखेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा ताप होता है, इसमें कंफ्यूजिंग होती है एक, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है, हम आगे बताएंगे, लेकिन ताप इसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो इसमें दिन होते हैं वह काफ़ी अधिक गर्म होते हैं, जबकि रात एकदम बर्फीली हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि वायुमंडल अनुपस्थित है, क्योंकि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वह पूर्णतः परावर्तित हो जाता है, इसलिए रात्रि में बर्फ और दिन में सबसे ज़्यादा लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तापमान का आसपास रहता है। तो तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ है? ताप तो सबसे ज़्यादा बुध ग्रह में है।
और इसमें से एक और क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन इससे बनते हैं, चुंबकीय गुण किस ग्रह में चुंबकीय गुण आता है, तो वह आएगा आपका बुध में चुंबकीय गुण। तो ये पांच क्वेश्चन आपको बुध ग्रह से याद रखने हैं। सूर्य का सबसे निकट ग्रह है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसका एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। तो ये अब बात की हमने बुध ग्रह से, अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह से। ध्यान से आप लोग देखिए, आपको यह जरूर पूरा समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह से। तो शुक्र ग्रह से पहला क्वेश्चन जो इसमें से निकल के आता है कि शुक्र ग्रह में सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है सबसे ज्यादा शुक्र ग्रह में। अब यहीं से एक और क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से निकल जाएगा कि CO2 की मात्रा अधिक है जिससे सूर्य से आने वाला प्रकाश परावर्तित नहीं हो पाता है, इसलिए शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। सबसे गर्म ग्रह क्यों है, तो इसका जवाब परावर्तन नहीं हो पाना, CO2 की मात्रा ज़्यादा है लगभग 95%, इसलिए परावर्तन नहीं हो पाता, इसलिए सबसे गर्म ग्रह है। अब इसमें से एक और क्वेश्चन निकलता है सबसे चमकीला ग्रह, तो यह पृथ्वी से सबसे चमकीला ग्रह है क्योंकि पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। अब इसे सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। सुबह का तारा क्योंकि यह सुबह पूर्व की ओर चमकता है, और शाम का तारा भी इसे कहा जाता है, शाम का तारा या शाम को पश्चिम की ओर चमकता है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का है। इसमें से अब नज़दीक है तो एक और क्वेश्चन बनेगा कि सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वह शुक्र ग्रह है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह। अब इसका जो द्रव्यमान, आयतन और जो घनत्व है लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन या बहन कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन शुक्र ग्रह से निकल के आते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है वह यह क्वेश्चन है कि यह विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है, तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यह शुक्र ग्रह की बात हो गई। अब बात आती है पृथ्वी ग्रह की। पहले हम शुक्र के बारे में जान लिए हैं। अब बात करेंगे पृथ्वी ग्रह के बारे में। तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है इससे कि इसे नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं इसको, तो इसका कारण है कि इसमें जल की मात्रा सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह कौन सा है, वह है पृथ्वी। अब पृथ्वी से हमने कुछ बातें बताई थी कि सूर्य और पृथ्वी से कुछ संबंध बताते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सूर्य से और पृथ्वी दोनों जो सेम क्वेश्चन है, तो वह यह है कि पृथ्वी से सूर्य की माध्य दूरी पूछी जाती है। तो माध्य दूरी आपको याद रखना है, वैसे ज़्यादा नहीं पूछी जाती लेकिन कभी कभी पूछी जाती है, तो इसकी माध्य दूरी 14.9898 करोड़ किलोमीटर है। माध्य दूरी कहीं कहीं आपको 15 करोड़ भी मिल जाएगी। अब इससे न्यूनतम दूरी पूछी जाती है, तो पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी दोनों पूछी जाती है, अधिकतम। तो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है जो, वह है 14.71 करोड़ किलोमीटर, और अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर।
तो यह सूर्य से दूरी की बात जब पूछी जाती है तो यह बिल्कुल याद रहना चाहिए। इसमें से और क्वेश्चन बनते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान। अब यहाँ से जो हमें एक इम्पोर्टेंट बताएंगे, द्रव्यमान कैसे याद रखना है सूर्य का और आयतन पूछा जाता है, तो सबसे पहले पृथ्वी का द्रव्यमान हमको जानना जरूरी है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.62 × 10^24 टन। तो यहाँ पे बात हो गई यह सूर्य के द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान की, और इसके आयतन के बारे में जानते हैं, 10^83 × 10^2 घन किलोमीटर। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का द्रव्यमान कितना है, तो सूर्य का जो द्रव्यमान है वह है, एक मिनट इसको हम मिटा देते हैं पहले, इसको आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे। अब हम जो बताएंगे वह सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान ये है, तो सूर्य का द्रव्यमान जो है वह है पृथ्वी से 3,32,000 गुना ज़्यादा। यह आपको याद रखना है। अब सूर्य का आयतन कितना है, तो सूर्य का आयतन है, पृथ्वी का आयतन ये है, और सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से लगभग 13 लाख गुना ज़्यादा है। यह आपको नॉर्मली पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना जरूरी है। तो यह तो हो गई इसके आयतन और दूरी से संबंधित बात। अब पृथ्वी से और क्वेश्चन बनते हैं कि पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर जो बनता है, तो वह न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी की बात हमने बताई, उसका कारण भी हम बता देते हैं आपको। उसका कारण मैं एक वीडियो बना चुके हैं पहले भी, कि जो सूर्य है वह पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, तो जब सूर्य पृथ्वी के सबसे पास होता है तो वह न्यूनतम और सबसे अधिक दूरी अधिकतम, तो जब दूरी हो तो उसे कहते हैं अपसौर, और जब न्यूनतम दूरी हो उसे कहते हैं उपसौर। तो उपसौर में पृथ्वी की दूरी सबसे कम हो जाती है, 14.71 करोड़ किलोमीटर, और इसमें अपसौर में 15.21 किलोमीटर हो जाती है। तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है। तो यह उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है, और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। तो यह आप याद रख सकते हैं। तो यह दूरी के कारण होते हैं, क्योंकि अलग अलग स्थिति बनती रहती है। अब जो पृथ्वी से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23 डिग्री अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। इसका जो घूर्णन गति है वह होता है 24 घंटे का, मतलब अपने अक्ष पर एक बार घूमने में, और यह सूर्य को जो घूमने का समय होता है वह होता है 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो यह सूर्य से जो दूरी, अब घूमने की गति हो गई। अब इसमें से एक क्वेश्चन, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन सब नहीं आते, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो इसमें से एक और है कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वह है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है। और पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी पूछी जाती है 3,84,000 किलोमीटर, यह इस चंद्रमा के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और पृथ्वी की सबसे ऊंचाई समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, और पृथ्वी समुद्र तल से सबसे गहराई जो है तो 11,031, जो कि मैरियाना ट्रेंच है, यह याद रखेंगे। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। नीला ग्रह कहलाता है, दूरी के बारे में, द्रव्यमान और आयतन के बारे में हमने इसके बारे में जाना। तो यही कुछ पृथ्वी से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ एकमात्र जीवन, जहाँ जीवन है उस कौन सा ग्रह है, वह पृथ्वी ग्रह है। तो पृथ्वी से यही कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और सूर्य से पृथ्वी ने पहुंचने में जो समय लगता है सूर्य के प्रकाश का, वह समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं कहीं आपको
8 मिनट 16 सेकंड भी मिल सकता है, तो उसमें से एक ही ऑप्शन आपको पेपर में दिया जाएगा, दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन हो उसे आप सही कर सकते हैं। पृथ्वी के बाद का जो ग्रह है वह ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में हम जानेंगे अब। तो मंगल ग्रह जब नाम आए तो आपको माइंड पर तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, इसे लाल ग्रह कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन इससे निकल के आ रहा है, लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को क्यों कहते हैं, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है इसलिए इसे हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह लाल दिखाई देता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा। दूसरा, इसके वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं, तो इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा ज़्यादा है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑर्गन गैस भी मौजूद है, इसलिए इस ग्रह में जीवन की संभावना है। जीवन की संभावना किस ग्रह में है, तो मंगल ग्रह में है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो भारत द्वारा मिशन गया था वह आप बिल्कुल भी याद रखिए, MOM मार्स ऑर्बिट मिशन, जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था और 2014 में पहुंच गया था। तो मंगल ग्रह से ये तीन क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इससे एक और क्वेश्चन निकल के आता है, चौथा क्वेश्चन, कि किस ग्रह के पश्चात क्षुद्र ग्रह की परत है या पट्टी है, तो वह है मंगल ग्रह के पश्चात। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूर्ण करता है, तो मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा, पांचवा क्वेश्चन, 687 दिन में पूर्ण करता है। पृथ्वी कितने दिन में करती है, 365 दिन में। शुक्र ग्रह जो है तो 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा, और बुध 88 दिन में, तो यह 687 दिन में परिक्रमा पूर्ण करता है। तो ये पांच क्वेश्चन आपको मंगल ग्रह से याद जरूर रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है वह क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो ये पट्टी, तो इससे हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। यह है एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी जिसमें अनेक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और यही ग्रह, यह जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, जब पृथ्वी द्वारा आकर्षित हो जाते हैं तो यह पृथ्वी की ओर आते हैं, जिन्हें उल्का कहते हैं। उल्का जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में घर्षण के कारण यह टूट जाते हैं और प्रकाश के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह उल्का पिंड होता है। लेकिन जो टूटते के साथ पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड, और जो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं उसे उल्कास्म कहते हैं, उसे उल्कास्म कहते हैं। यही क्षुद्र ग्रह की पट्टी है जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन बनता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन ग्रहों के बीच पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। अब जो क्वेश्चन बनेगा वह बनता है बृहस्पति ग्रह से। तो बृहस्पति ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह पहला इससे क्वेश्चन बनेगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। इसमें गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं, इसमें गैसें पाई जाती हैं मीथेन, अमोनिया आदि गैसें इसमें पाई जाती हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती हैं, इसलिए इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है किस ग्रह के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, बृहस्पति या इन सभी के पास जो गैसी पिंड की रेडियो ऊर्जा होती है, बृहस्पति के पास यह ज़्यादा है। तो यह इनमें गैसें पाई जाती हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो इससे निकल के आता है, यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। तो यह याद रखेंगे, तीन क्वेश्चन इससे निकल के आ रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रह है
और जो यह क्षुद्र ग्रह की पट्टी का बाद का ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में पूर्ण करता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक निकल के आ रहा, वह आप बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अपने अक्ष पर सबसे पहले तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह बृहस्पति है, जो कि 10 घंटे में अपने अक्ष को घूम लेता है। यह सबसे तीव्र है। तो चार क्वेश्चन निकल के आते हैं बृहस्पति ग्रह से। अब इसके बाद जो ग्रह हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन निकल के नहीं आते हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है। उसके बाद जो शनि, इससे शनि, जब शनि ग्रह की बात हो सैटर्न की, तो आपको सीधे माइंड पर क्लिक हो, सात वलय पाए जाते हैं। सात वलय आपको इसमें मैंने बना के दिखाया, सात वलय पाए जाते हैं, या छोटे छोटे कण हैं जो कि शनि के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके आसपास घूमते हैं, जो एक वलय का निर्माण करते हैं, जो कि इनकी संख्या सात है। तो सात वलय पाए जाते हैं और यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सेकंड ग्रह है जो बृहस्पति के बाद शनि आता है। शनि के बाद, शनि से लगभग ज़्यादा क्वेश्चन ही बनती है। इसने भी वही अमोनिया और मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैसें पाई जाती हैं। यह गैसी पिंड है, तो इसमें से यह आपको याद रखना है। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है टाइटन, टाइटन जो कि आकार में बुध ग्रह के बराबर है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तो वह है टाइटन। इसमें काफ़ी उपग्रह पाए जाते हैं। उपग्रह की चर्चा हम थोड़ी देर में कर रहे हैं। इसके बाद आता है अरुण। अरुण अरुण में अरुण की जब बात हो तो आपको क्लिक करना है पांच वलय। इसमें भी वलय पाई जाती है शनि की तरह, लेकिन पांच। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यह लेटा ग्रह किसे कहते हैं पूछा जाता है, तो सीधी सी बात है अरुण ग्रह को लेटा ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूर्ण करता है। 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। इससे पहले जो हमने शनि की बताई थी, यह जो है तो सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूर्ण करता है, और यह जितनी आगे जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, 84 वर्ष में पूर्ण करता है अरुण लेटा हुआ। कहीं कहीं इसको ग्रीन ग्रह भी कहते हैं अरुण को। कुछ बुक्स में वरुण भी मिलता है, लेकिन कुछ बुक्स में अरुण ग्रह को ग्रीन ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, क्योंकि मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यह थे अरुण ग्रह से बनने वाले क्वेश्चन। इसके बाद जो आता है वरुण। वरुण सबसे लास्ट का ग्रह कौन सा है, तो वह है वरुण। सबसे अंतिम ग्रह वरुण है, आठवां ग्रह वरुण है, सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, क्योंकि सबसे अंतिम में है ठंडा ग्रह। यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूर्ण करता है। तो वरुण से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यही कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अरुण से एक क्वेश्चन और बनता है कि यह भी शुक्र ग्रह के समान पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। इसकी खोज विलियम हर्सेल ने की थी अरुण ग्रह। तो यह हो गए ग्रहों से बात। और एक ग्रह लास्ट में और आता है जिसे कहते हैं प्लूटो। प्लूटो तो इसे 2000 इसे जब 1930 के बाद खोजा गया, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो बैठक हुई, इसमें 2006 में बैठक हुई थी, याद रखेंगे 2006 में बैठक हुई थी, इसमें इसका ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, क्योंकि यह जो सूर्य की परिक्रमा के साथ यह वरुण ग्रह में ओवरलैप करता था, इसलिए इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था। इसी प्रकार चार अन्य ग्रह, तीन अन्य ग्रह भी हैं जिसे इनको अब बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो कितने ग्रह को बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है, चार ग्रह को बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो यह आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं उपग्रह की, कुछ बातें थी। तो बुध और शुक्र, इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, बृहस्पति की इनकी संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन फिलहाल 74 है इसकी भी ऐसे, और इनकी भी संख्या बढ़ती घटती रहती है, क्योंकि जब जब खोज होती है तो आगे पीछे होता रहता है। तो अब हम बात करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा उपग्रह क्या होते हैं, पहले तो ये आपको जान लो। उपग्रह हुआ है
जो प्रकाश रहित, जो कि ग्रहों की परिक्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा कहते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, और इसकी जो परिक्रमा कर रहा है वो है उपग्रह। तो उपग्रह यही है। तो उपग्रह चंद्र पृथ्वी का एक है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा से जो क्वेश्चन बनता है, पहला, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 384,000 किलोमीटर है, माध्य दूरी है। और इसमें से और क्वेश्चन पूछते हैं, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो वह बताते हैं, लेकिन इसकी न्यूनतम दूरी 364,000 किलोमीटर है। अधिकतम दूरी भी पूछी जाती है, तो 406,000 इसकी अधिकतम दूरी है, 406,000 किलोमीटर अधिकतम दूरी है। तो यह तो हो गई दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें पृथ्वी का कितना परसेंट गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा में है, 1/6, मतलब अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 किलो का है तो वह चंद्रमा पर 6 से भाग दे दीजिए, 6 मतलब वह 10 किलो का हो जाएगा, 1/6 पृथ्वी का गुरुत्व है। और इसमें वायुमंडल अनुपस्थित है, इसमें वायुमंडल अनुपस्थित है, वायुमंडल अनुपस्थित, वायुमंडल अनुपस्थित है चंद्रमा में। तो यह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो चंद्रमा से पूछे जाते हैं नॉर्मली किसी भी एग्जाम में। अब चंद्रमा से तीन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। तो चंद्रमा में तीन घटनाएं घटती हैं, एक होती है सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून। सुपर मून की घटना जब न्यूनतम दूरी हो उस समय चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा और 30% चमकीला दिखाई देता है। ऐसी घटना सितंबर 2015 में हुई थी, जिसमें सुपर मून की घटना घटी थी, उसमें 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। यह हो गई सुपर मून। ब्लू मून की जब बात आती है तो उसका ब्लू मून से कोई कनेक्शन नहीं है। जब एक माह में दो पूर्णिमा हो जाती हैं तो उसे जो है वो उस घटना को ब्लू मून कहते हैं, जब 31 दिन के अंतराल में दो पूर्णिमा हो जाए, ब्लू मून। ब्लड मून की बात जब आए तो ब्लड मून क्या है, तो 4 पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना जब घटती है उसे कहते हैं ब्लड मून। लगातार 4 सूर्य ग्रहण की घटना जब घट जाए उसे कहते हैं ब्लड मून। तो यह हो गई। अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल के दो है, एक है फोबोस, फोबोस, दूसरा है डिमोस, डिमोस, यह भी आप याद रखेंगे। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। तो यह कुछ उपग्रह के बारे में। अब जो बात आती है इसी एक धूमकेतु की, धूमकेतु क्या है, तो धूमकेतु की परिभाषा सुनिए। धूमकेतु वह है जो धूल व हिम ठंडे जो पिंड हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, एक मतलब किसी एक क्रम में नहीं करते, उनका मार्ग परिवर्तित होता रहता है, इसलिए वह पिंड है। क्योंकि धूमकेतु या थैली धूमकेतु भी इसी श्रेणी में आते हैं, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जब सूर्य के पास से गुजरते हैं तो वह बर्फ पिघलता है, जिससे उनमें एक पूंछ बन जाती है, जिसे पुच्छल तारा कहते हैं, इसी को पुच्छल तारा कहते हैं धूमकेतु को, जब सूर्य के पास से गुजरता है। यह घटना सन 1976 में हैली धूमकेतु घटना देखी गई थी। तो यह हो गए धूमकेतु से। यह घूमते रहते हैं, ठंडे पिंड हैं जो सूर्य के पास निकलते हैं तो पिघलते हैं, जो पूंछ का आकार ले लेते हैं, जिसे पुच्छल तारा कहते हैं। तो ये हो गए धूमकेतु से प्रश्न। अब क्षुद्र ग्रह से बात हो गई, सूर्य से बात हो गई, और ग्रहों से संबंधित बात हो गई है। तो आज के लिए, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।